इतनी कृपा न करना मैं तुमको भूल जाऊं। थोड़ी कमी भी रखना प्रभु, थोड़ी कमी भी रखना मैं लौट कर तो आऊं। ये जो वापसी रिटर्न आते हैं ना, ये वही है कि कुछ ना कुछ शेष रह जाएगा। कौन कौन बोलेगा? जोर से और बहुत जोर से बोलना, इतनी कृपा न करना मैं तुमको भूल जाऊं। थोड़ी कमी भी रखना प्रभु, थोड़ी कमी भी रखना मैं लौट कर तो आऊं। इतनी कृपा न करना मैं तुमको भूल जाऊं। इतनी कृपा न करना मैं तुमको भूल जाऊं। कोई गूंज कम रखो। कोई एक दिन खाटू जी रहता है प्रदीप भैया, कोई दो दिन रहता है, कोई कोई तीन दिन भी रहता है। यहां तीन दिन बाबा की सेवा की और 7.5-8 रुपए का बिल्ला बना लिया। हम शाम प्रेमी हैं, मेरा आधार खाटू वाला शाम। 7.5 रुपए में किसी का कुछ नहीं जाता, जितने मर्जी छपवा लो। तीन दिन बस, उसके बाद कर्मों को अपने देखूं तो शर्म आ रही है। कर्मों को अपने देखो तो शर्म आ रही है। ये भूख मेरी कैसी जो बढ़ती जा रही है। ये भूख मेरी ऐसी जो बढ़ती जा रही है। समय कम है, जल्दी से बताता हूं। और कम, एक मूंगफली वाला था, सुना, एक मूंगफली वाला था। सर्दी का समय, मूंगफली की रेड़ी लगाई, रजाई ओढ़ी, सो गया। एक लाला जी आए, उन्हें कहा भाई मूंगफली कौन बेच रहा है? कहने लाला जी वो जो रजाई के नीचे पड़ा है उसी की रेडी है ये। लाला जी ने उठाया, उठ बे मूंगफली दे। बड़ी सुस्ती से उठा, सुस्ती से मूंगफली तोली। लो लाला जी कह रहे अबे ये कैसे मूंगफली बेच रहा है बे? कह रहे फिर लाला जी ने कहा आवाज लगा लगा के मूंगफली बेच। मूंगफली वाले ने कहा क्या हो जाएगा फिर?
कह रहे तेरी मूंगफली जल्दी बिक जाएगी। कल इससे डबल बेच लेना। मूंगफली वाले ने कहा लाला जी फिर क्या होगा? कह रहे तू धीरे 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 मूंगफली का ठेकेदार हो जाएगा। कह रहे लाला जी फिर क्या होगा? कह रहे जिस दुकान के सामने तूने रेडी लगाई है वो दुकान तेरी हो जाएगी। कह रहे लाला जी फिर क्या होगा? कह रहे फिर तू कोठी बंगले कार वाला हो जाएगा, तेरे पे बहुत पैसे हो जाएंगे। कह रहे अच्छा लाला जी फिर क्या होगा? कह रहे फिर जीवन में आराम ही आराम। कह रहे लाला जी मैं वही कर रहा था तूने करने नहीं दिया। मैं तो वही कर रहा था। ताली बजाओ ना। कर्मों को अपने देखूं तो शर्म आ रही है। कर्मों को अपने देखूं तो शर्म आ रही है। ये भूख मेरी कैसी जो बढ़ती जा रही है। ये भूख मेरी कैसी जो बढ़ती जा रही है। ईमानदारी से एक जन वो हाथ उठाना जो हर बार ग्यारस तो आता है लेकिन एक बार ग्यारस पे आकर के लाइन में लगा हो। सुनो अभी बात खत्म नहीं हुई। हाँ रुक तो जाओ। लाइन में लगा है, हाथ में माला है, प्रसाद भी है, दो घंटे लाइन में भी लगा हुआ है और जब बाबा के सामने पहुंच गया और जाके हाथ जोड़ के कहने लगा बाबा 40 साल से आ रहा हूं, 30 साल से आ रहा हूं, 2 साल से आ रहा हूं, 11 महीने से आ रहा हूं, तूने मुझ पे बहुत कृपा की, इस ग्यारस हाथ जोड़ के तुझसे प्रार्थना है थोड़ा सा सबर भी दे। बोल सच्चे किसी ने मांगा? एक ने भी नहीं मांगा। मैंने ही नहीं मांगा, कोई भी नहीं मांगता। सबर मांगा है। क्या बोला है? शादी नहीं होती उसको तो सबर रखना ही पड़ता है। हाँ क्या बोला था कि बाबा मैं सबर रखा है मेरी शादी करा दो। अच्छा बाबा तूने बहुत शादियां कराई है एक मेरी करा दे फिर सबर हो जाए। अच्छा करवाने के बाद सबर हो गया। ले हो यार ये कैसी बात है। ताली बजाओ। ये भैया भोले हैं सीधे हैं। बजाओ। ये भूख मेरी कैसी जो बढ़ती जा रही है। ये भूख मेरी कैसी जो बढ़ती जा रही है। दातार तुमसे आ कर, दातार तुमसे आ कर, दातार तुमसे आ कर, दातार तुमसे आ कर, मैं मांगता ही जाऊं इतनी कृपा न करना मैं तुमको भूल जाऊं। इतनी कृपा न करना मैं तुमको भूल जाऊं। बनाने वाले दुनिया बनाने वाले मेरा वजूद क्या है। दुनिया बनाने वाले मेरा वजूद क्या है। कर्जे की चंद श्वासें, कर्जे की चंद श्वासें, उस पे भी हक तेरा है। कर्जे की चंद श्वासें,
उस पे भी हक तेरा है। तूने धड़कने जो छीनी, तूने धड़कने जो छीनी, सबने किया पराया, जिसने तुम्हें भुलाया उसने है सब गवाया, जिसने तुझे भुलाया उसने है सब गवाया। आई है जब मुसीबत, आई है जब मुसीबत, कोई नकाम आया, जिसने तुझे भुलाया उसने है सब गवाया। साउंड जीवन में दो प्रकार के होते हैं, एक तो भूखे का साउंड, भूखे का साउंड अलग होता है, पेट भरे का साउंड अलग होता है, और ओवर ईटिंग वाले का साउंड सबसे अलग होता है। समझती हो ना? ओवर ईटिंग का मतलब है आपको डकारे आने, ऐसे ही बिजनेस में भी है, इस लाइन में भी है, जिसको ओवरडोज मिलती है उसकी डकारे ओवर निकलती है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रक्रिया में लगे हैं कि हमें बड़े बड़े कीर्तन मिले, मोटे मोटे पैकेट मिले। मैं भी हूं उस लाइन में, लेकिन उसकी कृपा है कि पिछले 30 साल से मोटे नहीं न छोटे, पतले चले जा रहे हैं बोल सच्चे, लेकिन फिर भी डरता हूं और उसको कह देता हूं, बाबा फटक ना जाऊं मैं तेज रोशनी में, बाबा भटक न जाऊं मैं तेज रोशनी में, मेरे कदम फंसे ना माया की चाशनी में, मेरे कदम फंसे ना माया की चाशनी प्रभु याद तुम ही रखना, प्रभु याद तुम ही रखना, प्रभु याद तुम ही रखना, मैं नीम भी चबाऊं। नीम चबाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, चाशनी से शुगर होती है, इसलिए इतनी कृपा न करना मैं तुमको भूल जा, इतनी कृपा न करना तुमको भूल जा। हमारा पंकज भैया के साथ बात जब चलती है ना तो घर वाले परेशान होने लगते, बोले घंटी भर हो गए कौन फोन कर रहा है। हाँ। और शायद उधर भी ऐसा होता, ये विचार चलते रहते हैं। हमारा फोन पे सत्संग होता है, ये तन सराय तेरी बस चार दिन का डेरा, ये तन सराय तेरी बस चार दिन का डेरा, ये अंग अंग तेरे मुझ में नहीं कुछ मेरा, ये अंग अंग तेरे मुझ में प्रभु क्या मेरा, रोमी की नीचता है, रोमी की नीचता है, ना दे सका किराया जिसने तुझे बुलाया उसने सब गवाया। किसी के एक कमरे में चार महीने रह जाओ तो भी किराया मांग लेता है,
ये उसके बनाए मकान में बरसों रहते हैं। रोमी की नीचता है, हम सब की नीचता है, देना सका किराया जिसने तुम्हें बुलाया, उसने है सब गवाया। इस भजन का मरम ये है कि इतनी कृपा ना करना मैं तुमको भूल जाऊं। आज ही सवेरे एक नामी गायक थे, नाम नहीं लेना चाहिए, मैंने कहा भैया दर्शन हो गए, कहने अभी आया हूं, तो मैंने कहा फिर, कहने अभी सोऊंगा, शाम को देखते हैं दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। शाम को मिले, दर्शन हो गए, नहीं यार धर्मशालाओं से फोन आ रहा है, जाना पड़ेगा। बोल सच्चे, मैंने कहा फिर कल देख लेंगे, मैंने कहा द्वासी हो जाएगी, कहने बाबा तो वही रहेगा, टेटी तो बदलेगी, लेकिन चाहे सुख हो चाहे दुख हो तुम साथ साथ रहना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो तुम साथ साथ रहना। पंकज ये ना समझ है, पंकज ये ना समझ है, बस तुमसे इतना कहना, पंकज ये ना समझ है, बस तुमसे इतना कहना। बाबा अभी आदरणीय रोमी भैया ने कहा कि उसका शुक्र करो कि सांसें चल रही हैं, उसका शुक्र करो बढ़िया कपड़े हैं, लेकिन एक प्रेमी की क्या लालसा हो सकती है। मैं कहता हूं ये रोमी भैया की बात है, ये प्रदीप भैया की बात है, जिनको महीने में 27-28 दिन, कभी कभी तो पूरे 30 दिन आदत पड़ गई है, 8 बजे हाथ में माइक नहीं है तो खुजली होने लगती है कि 10 बजे माइक मिलना चाहिए, डेली की आदत पड़ी है, माइक नहीं तेरे चरणों में आने की आदत पड़ी है बाबा, तेरे चरणों में आने की आदत पड़ी है। तो ये रोमी भैया के मन की बात है, मेरे मन की बात है। पंकज ये ना समझ है, बस तुमसे इतना कहना, पंकज ये ना समझ है, बस तुमसे इतना कहना, सांसें चले ये जब तक, सांसें चले ये जब तक, सांसें चले ये जब तक, सांसें चले ये जब तक। बाबा मुझे हॉस्पिटल के बेड पे नहीं जाना, बाबा मुझे किसी बीमारी में नहीं जाना, हाँ जिस दिन तेरी लास्ट कॉलिंग हो उस दिन तेरा कीर्तन होना चाहिए। बोल सच्चे, सांसें चले ये जब तक, तेरी शरण ही पाऊं। लेकिन उसकी शरण में कैसे जाए, सबसे बड़ी बात। देखिए हम चलता ही रहेगा पूरे, हाँ कोई दिक्कत नहीं। गैरों के घर गए जब, तोहफे थे साथ मेरे, गैरों के घर गए जब, तोहफे थे साथ मेरे, आया जो घर तुम्हारे, खाली है हाथ मेरे, आया जो घर तुम्हारे, खाली है हाथ मेरे। देखिए इंसान कितना स्वार्थी है, आप किसी के घर जाइए, इवन कि सुदामा भी जब कृष्ण के घर गए अपने मित्र के घर, तो पत्नी ने कहा कुछ लेकर जाओ, इतने दिनों बाद जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना। हम कितने स्वार्थी कि हमको मालूम है जाना है वहां, लेकिन हम
वहां के लिए कुछ नहीं जोड़ते, और यहां गैर के घर जाने के लिए भी पत्नी कह देती है कुछ लेकर चलो ना, इतने दिनों बाद जा रहे। गैरों के घर गए जब तोहफे थे साथ मेरे, गैरों के घर गए जब तोहफे थे साथ मेरे, आया हूँ घर तुम्हारे खाली है हाथ मेरे, आया हूँ घर तुम्हारे खाली है हाथ मेरे, छोटी सी भेंट सांवरे, छोटी सी भेंट सांवरे, तेरे लिए न लाया छोटी सी भेंट सांवरे, तेरे लिए न लाया जिसने तुझे भुलाया उसने है सब गवाया। जाते जाते ये दो लाइन हम गाएं, उसके बाद हमारी बहन को माइक देंगे। क्या नाम है दीदी? कृष्ण प्रिया। ओ हेलो, ये तो एडवांस में कृष्ण प्रिया है, हम क्या करेंगे बताओ इसमें। जोरदार ताली बजाओ इनका स्वागत करिए। जाते जाते प्रभु के चरणों में ये दो लाइन छोड़ जाना और कह देना, कर दो कृपा कन्हैया क्या जाएगा तुम्हारा, कर दो दे दो प्रभु सहारा, दे दो प्रभु सहारा, यू ना भुला के बैठो हम दास हैं तुम्हारे, यू ना भुला के बैठो हम दास हैं तुम्हारे। बाबा देखो 5:30 का समय है, आज कोई किसी को 2 बजे के 12 बजे के बाद बिठाने के बैठ ही झगड़ा हो जाए, ये देखो, और तुम भी देखो वो भी बैठा है। यू ना भुला के बैठो हम दास हैं तुम्हारे, सोचो जरा कन्हैया जाए कहाँ बेचारे, सोचो जरा कन्हैया जाए बेचारे। ओ गुड़िया ये वो सब एक टक देख रहे हैं, क्यों लाचार है ये आंखें, प्रभु लाचार है ये आंखें, लाचार है ये आंखें, इनसे तुम्हें निहारा, दे दो प्रभु सहारा, कर दो कृपा कन्हैया, दे दो दे दो प्रभु सहारा। कृष्ण प्रिया जोरदार।